इंसान पृथ्वी पर मौजूद सबसे स्मार्टेस्ट प्रजाति है, लेकिन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अन्य जानवर भी बहुत स्मार्ट होते हैं और कुछ मायनों में तो इंसानों से भी ज्यादा होशियार होते हैं। समय समय पर जानवर अपनी स्मार्टनेस प्रूव भी करते आए हैं और सही वक्त आने पर सोच समझकर ही सही फैसला लेते हैं। आज हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी ग्रह पर मौजूद ऐसे ही चतुर, समझदार, बुद्धिमान और होशियार जानवरों और उनकी अकलमंदी से रूबरू करवाएंगे। थोड़ी समझदारी दिखाकर आप भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। प्राइमेट्स। अब अगर हम बात करें जानवरों में सबसे बेहतरीन आईक्यू की, तो प्राकृतिक रूप से प्राइमेट्स ही है। बंदर, गिबन्स, चिंपांजी, ऑरंगुटेन और गोरिल्ला सबसे बुद्धिमान जानवरों के समूह में आते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार प्राइमेट ही सबसे श्रेष्ठ हैं, जो इंसानों की भाषा को पूरी तरह से पहचानते हैं, लोगों को समझते हैं। वैसे देखें तो चिंपांजी हम इंसानों की सबसे करीबी नस्ल है। हमारे करीब 99% डीएनए चिंपांजी से मिलते हैं। उनका उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता का बड़े पैमाने पर अध्ययन और विश्लेषण किया गया है। एक प्रयोग में शोधकर्ताओं ने एक चिंपांजी को नंबर्स दिखाए, जो कि बहुत कम सेकंड के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश हुए और उन्हें सीरियल के हिसाब से क्लिक करना था। चिंपांजी ने स्क्रीन पर सभी पैटर्न को सटीक तरीके से याद रखा और हर बार उन्हें सही सीक्वेंस में बताकर फोटोग्राफिक मेमोरी का जबरदस्त नमूना दिया। और जब इंसान ने टेस्ट पार करने की कोशिश की तो वो कई बार फेल हो गया। सही मायनों में उसने इंसान को भी पीछे छोड़ते हुए ऐसा कठिन टेस्ट पास कर लिया। इसी प्रकार कपड़ा दिए जाने पर एक ऑरंगुटेन ने गांठ बांधकर खुद के सोने के लिए आरामदायक झूला बना लिया। ऐसे एक टेस्ट में दो बंदरों को अलग अलग रखा, एक के पास एक पत्थर और एक के पास एक फल। पहले बंदर ने दूसरे बंदर को पत्थर दिया ताकि उसकी मदद से वो फल निकाल सके, और ऐसा ही हुआ। इस मदद के बदले उसे दूसरे बंदर ने पहले बंदर को आधे फल भी दे दिए। चिम्स पत्थर, घास, टहनी और पत्तियों जैसी चीजों से अपनी जरूरी औजार बनाते हुए देखे गए हैं। यहाँ तक कि वे भाले जैसी चीजें बनाते हैं, जिसके लिए पेड़ की टहनी तोड़ते हैं, पत्ते साफ करते हैं, फिर नुकीला बनाने के लिए एक सिरे को दांतों से काटते हैं और उसकी मदद से पेड़ की खोखली तनी से दीमक निकाल के खाते हैं। और तो और पत्थर की मदद से हार्ड फलों को तोड़ते हैं। ये इतने समझदार है कि सीढ़ी में खुद को देखकर चेहरे की सफाई भी करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। हाथी। हाथी कई सदियों से इंसानों के सबसे वफादार और मददगार रहे। हाथी जितने विशाल होते हैं उनका दिमाग भी उतना ही बड़ा होता है। वास्तव में उनके दिमाग में लगभग 300 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि इंसान के दिमाग में 86 बिलियन। सरल शब्दों में कहें तो हाथी वेल एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन के साथ इंसानों की तरह सबसे ज्यादा सोशल एनिमल है। वे आपस में बात करने के लिए अल्ट्रासाउंड रंबल का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उनके आपस में संवाद करने की भाषा है। हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ खास इशारों का इस्तेमाल करते हैं। हाथ मिलाने के लिए अपनी सूंडों को गले लगाते हैं। यही नहीं, वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडीज में पाया गया कि वे हंसते भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो अपने आप को आईने में भी पहचान सकते हैं। इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि पेड़ पर ऊंचे लगे फल को तोड़ने के लिए किस प्रकार हाथी एक डब्बे का इस्तेमाल करके अपनी अक्ल का प्रमाण देता है। ये टीम वर्क भी भली भांति करना जानते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये सेटअप इस तरह से बनाया गया है कि अगर एक हाथी रस्सी को खींचता है तो उस प्लेटफॉर्म को नहीं खींच पाता, इसलिए इसमें दूसरा हाथी पहले की मदद करता है। पीटर नाम के इस हाथी के फोन पर किए कारनामे देखकर आप इसके फैन हो जाएंगे। वैसे हाथियों में सेल्फ अवेयरनेस की भी क्वालिटी है। ये इंसानों की तरह दुख, खुशी, करुणा और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ तक कि जंगलों में हाथी अंतिम संस्कार की रस्मों का भी पालन करते हैं। और तो और ये संगीत के खास 12 स्वरों को भी पहचान सकते हैं और धुनों को फिर से बना सकते हैं। और हाँ, इनका एक हाथी बैंड भी है। एक और खास बात, इनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है। ये जिंदगी भर किसी भी चीज को याद रख सकते हैं। वो अपने साथ किए गए सभी अच्छे बुरे को याद रखते हैं। यही नहीं, भारत के साथ साथ अफ्रीका में हाथियों द्वारा अपनी सूंड की मदद से बनाई गई पेंटिंग को टूरिस्ट को बेचने वाला बिजनेस बहुत बेहतरीन चल रहा है। डॉल्फिन। डॉल्फिन को आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई भी ट्रेनर जो भी स्टंट करता है उसे सीखने के बाद अन्य डॉल्फिन के साथ आसानी से सिंक्रोनाइज कर लेती है।
और तो और अन्य डॉल्फिन को भी यही स्टंट सिखा देती है। दूसरे अन्य रिसर्च में ये भी देखा गया कि डॉल्फिन समुद्र में मछुआरों की भी बहुत हेल्प करती है। उदाहरण के तौर पर अन्य मछलियों को जाल की तरफ धकेलते हुए अक्सर देखा गया है। सबसे बड़ी बात, यूएस नेवी ने उन्हें ऐसा ट्रेन किया है कि समुद्र के अंदर माइंस का पता लगाने या दुश्मन के गोताखोरों का पता लगाने में उनकी पूरी मदद करती है, जबकि अन्य जानवर शीशे के सामने अजीब व्यवहार करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। इस वीडियो में डॉल्फिन शिकार को पकड़ने का एक अलग तरीका आजमाते देखी गई। पहले मछलियों का पीछा करके उन्हें किनारे पर लेकर जाती है और पानी से बाहर मिट्टी में धकेल देती है, जिससे वो वापस छटपटाते हुए पानी में आने की कोशिश करती है और सीधा डॉल्फिन के मुंह में चली जाती है। इस तरह कई बार पाली गई कैद डॉल्फिन ज्यादा खाने की चाह में पक्षियों को पकड़ने के लिए चारे का इस्तेमाल करती हुई देखी गई है। रेवन, ये वाला तो मेरा दिल से फेवरेट है। इसके बारे में हिंदी काउंटडाउन एक घंटे की वीडियो बनाए वो भी कम है। कैसे? ऐसे में बस आप इस छोटे से वीडियो को देखें, जो कि बीबीसी अर्थ द्वारा बनाए गए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया। मीट के टुकड़े को बॉक्स में इतना अंदर रखा है कि वो कौवे के चोंच की पहुंच से बाहर है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें रखी गई जिसकी मदद से वो उस मीट के टुकड़े को हासिल कर सकता है। यहाँ उसके टूल किट में शामिल है पिंजरे के अंदर 3 पत्थर के टुकड़े, एक छोटी लकड़ी जिसकी मदद से पत्थर निकलेगा, फिर उन पत्थरों की मदद से बड़ी लकड़ी हासिल कर अंत में मीट के टुकड़े को हासिल कर लेगा। पजल को सॉल्व करने के लिए 8 अलग अलग स्टेप्स थे। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि पहले कौआ सभी चीजों को ऑब्जर्व करता है, फिर छोटी लकड़ी से मीट हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन असफल होता है, फिर पत्थर निकालता है लेकिन क्या करना है उसे समझ नहीं आ रहा, फिर शायद वो पहले को समझ जाता है और सभी स्टेज को सॉल्व करते हुए अंत में अपना इनाम हासिल करने में सफल हो जाता है। इतना ही नहीं, ये बंदरों की तरह हाथ ना होने की वजह से पत्थर का इस्तेमाल कर सख्त फल तो तोड़ नहीं सकते, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। बिजी ट्रैफिक में ऊपर से अखरोट गिरा देते हैं, गाड़ियों के टायर से अखरोट टूट जाता है, फिर सिग्नल देखकर उसे खा जाते हैं। ये वास्तव में बुद्धिमान प्राणी और हकीकत में उनका दिमाग इंसान और चिंपांजी में मौजूद नियोकॉर्टेक्स के बराबर काम करने की क्षमता रखता है। अगर आपने बचपन की प्यासे कौवे की दंत कहानी सुनी है तो महज कहानी नहीं हकीकत है। आप खुद देख लीजिए कैसे अलग अलग तरह के टेस्ट में इसने कितनी समझदारी का उदाहरण दिया। पहले टेस्ट में इसने वाटर डिस्प्लेसमेंट को समझा और मिट्टी वाली ट्यूब में पत्थर ना डालकर सिर्फ पानी वाली ट्यूब में डाला, जिससे खाना ऊपर आ गया। दूसरे टेस्ट में इसे डालने के लिए कुछ हल्के और भारी वेट दिए गए। इसने इसकी अहमियत समझते हुए सिर्फ भारी वेट का इस्तेमाल किया, हल्के पीसेस का इस्तेमाल करने की बजाय। तीसरे टेस्ट में इसे एक चौड़ा और एक नैरो स्क्वायर ट्यूब दिया गया। पहली बार चौड़ी ट्यूब में वेट डालते ही समझ गया कि उसमें ज्यादा वक्त, मेहनत और वेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने पतली ट्यूब में वेट डालना शुरू कर दिया और अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। अगले टेस्ट में पहले की तरह ही चौड़ी और पतली ट्यूब दी, लेकिन इस बार पानी का लेवल अलग अलग रखा, लेकिन इस बार भी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और पिछली बार की तरह पतली ट्यूब में वेट न डालकर चौड़ी ट्यूब में वेट डाला और अपना इनाम पा लिया। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे लकड़ी का इस्तेमाल करके जब कीड़े निकालने में ये असमर्थ रहा तो उसने दिमाग लगाया और लकड़ी के सिरे को मोड़कर हुक बना लिया, जिसकी मदद से आसानी से इसने कीड़ों को बाहर निकाल लिया। सिर्फ यही नहीं, ये पक्षी हमारे हाथों और साथ में आंखों के इशारे भी अच्छी तरह से समझने की बुद्धि रखते हैं। अब तो आप जरूर इनकी बुद्धिमानी के कायल हो गए होंगे ना, कमेंट करके हमें बता दीजिए। हनी बेजर्स, इसके बारे में पंचलाइन में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही स्मार्ट जानवर होने के साथ साथ बहुत मतलबी भी होते हैं, और तो और शेर भी इससे डरता है। अपने छोटे आकार के बावजूद इसे मोस्ट फियरलेस एनिमल का तमगा हासिल है। समय के साथ साथ मधुमक्खी का डंक खाते खाते इनका इम्यून सिस्टम कोबरा के जहर को भी झेल सकता है। वैसे तो ये कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन शायद इनको सबसे ज्यादा पसंद है। अब बात करें समझदारी की, तो ये इतने समझदार हैं कि किसी भी कैद से निकल भागने के लिए सभी तकड़म लगा डालते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले इसे पिंजरे में रखा गया, लेकिन ये जाली इसे भागने से नहीं रोक पाई। पिंजरे के दरवाजे पर 2 कुंडी लगाएगी और एक को तार से बांध दिया गया, लेकिन इस एनिमल पार्क में रह रहे इस जोड़े ने एक दूसरे की मदद करते हुए दोनों कुंडी खोली और दोनों साथ में निकल भागे।
यहाँ पर इनका ऐसे निकल भागना कोई भाग्य से निकल भागना नहीं था, बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड एस्केप था। एनिमल पार्क में काम करने वालों ने जितनी भी कोशिश की कि इन्हें अंदर रखा जाए, कुछ ना कुछ करके ये बच निकलते। फिर चाहे दीवार के कोने पर कीचड़ और पत्थर के ढेर रखकर निकलने की कोशिश हो, या लकड़ी के तने आदि को दीवार पर टिका कर बच निकलने की कोशिश, सब में सफल रहे। इससे साफ पता चलता है कि ये जानवर किसी भी मुश्किल परिस्थिति में निकलने में सक्षम है। आपको किस जानवर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाएं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां वीडियो की डिटेल पहले आ जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।